Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, my viewers and my YouTube family. I hope everybody is okay. आज मैं आपको पहले तो वेलकम करता हूँ. वेलकम टू माई कुकिंग चैनल विच इज़ टैफ फूड सीक्रेट. तो आज मैं आपके साथ एक मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ. जो मिल्क शेक की कैरट्स एंड कैरट्स का मिल्क शेक मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, बट आज वाले मिल्क शेक में मैं एप्पल मिक्स करके और थोड़ा सा उसको खजूर का उसके अंदर मैं फ्लेवरिंग दूंगा और क्या क्या उसमें करूंगा. बहरहाल आप आइए. लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग न्यू हैं, प्लीज़ वॉच वीडियो प्रॉपरली एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब. मेरे बहन भाइयों से कि वीडियो को बेहतर अंदाज में देखा करें और जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज्ड हैं उनके एड्स को आप स्किप ना किया करें. अगर एड्स आप स्किप करेंगे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. अगर किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसका एड आप देखिए. हाँ, मगर अगर लंबे एड्स हैं, कभी कभी एक एक घंटे का एड आता है, दो दो घंटे का भी आता है, ये पता नहीं उनका कोई सिस्टम का एरर है या क्या है. बहरहाल एड्स कभी लंबे आते हैं तो एक दो मिनट से ज़्यादा ऐड ना देखिए, फिर स्किपेबल ऐड को स्किप कर दीजिए. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि आइए मेरे साथ इस चैनल में अपना हिस्सा डालिए वीडियो वॉच करके. वीडियो के अंदर जो इश्तहार होंगे, एड्स होंगे, उनको वॉच करके. तो बिकॉज़ ये जो चैनल है, ये चैनल चैरिटी के लिए है. ये जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ये चैरिटी के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं एक छोटी सी जगह से इस चैरिटी को स्टार्ट करके फिर अपने तमाम एरियाज़ को या ज़िला को कवर करूं. तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी खुदा तर्स लोग हैं वो डेफिनेटली वीडियो देखेंगे और इश्तहार देखेंगे. जब आप इश्तहार देखते हैं तो इस चैनल को बेनिफिट मिलेगा. जब बेनिफिट मिलेगा तो उसका बेनिफिट का एक एक पैसा गोज़ टू द ऑर्फन एंड विडोज़, यानी यतीम और बेवा और ज़रूरतमंद लोगों के पर्पज़ के लिए ये चैनल मैंने बनाया था. तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए. अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको कोई मना नहीं है. तो आइए हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं. ले लीजिए नाज़रीन, ये है जी हमारी मशीन. इस मशीन को हम बेचारी टूटी हुई सी, टूटी फूटी सी ये मशीन है, खस्ता हाल सी मेरी तरह, पुरानी पुरानी. तो इसको हम करेंगे जी स्टार्ट. अगर ये स्टार्ट हमारी बात इसने मान ली तो नाजरीन जूस से ये मैंने गाजर का जूस ये निकाल के तो, और ये मैंने चार छोटे छोटे सेब जो है ना वो काट के स्किन ऑफ करके तो सेब रख लिए हैं जो इसमें जाएंगे. और ये छः अदद खजूरें हैं. ये बहुत ही नाइस खजूरें हैं. मुझे पहली मरतबा ये इतनी अच्छी खजूरें मिली हैं. हैं एक्सपेंसिव लेकिन बहुत नाइस हैं. और ये 20 से 25 मैंने बादाम लिए हैं, ठीक है जी. तो ये जी आपके सामने मैं अब ये एप्पल को इसके अंदर डालने लगा हूँ ब्लेंडर के अंदर. ये अलग मशीन थी, मशीन मेरी बेचारी वो थकी हुई है मेरी तरह, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको चलाया है. और ये रहे जी खजूरें और ये रहे जी बादाम सारे, ठीक है जी. और ये मिल्क शेक बन रहा है जी. कौन सा मिल्क शेक ये बन रहा है? कैरेट और ये सारा चला गया जी इसके अंदर, ठीक है. तो इसको हम अब करते हैं बंद और आपको इसकी आवाज़ ना सुनाए तो अच्छी बात है. इसकी ऑन ही नहीं हमने किया है. तो ये अभी हमारा अभी ये शेक बना है, ये मिल्क शेक नहीं है, ठीक है. तो इसको हम मिल्क शेक बनाने के लिए इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे. लेकिन पहले हम इसको इस मग्गे में ले जाते हैं और इस मग्गे से इजी है हम
इसमें ये डालते हैं, ये हम डालने के बाद हम आपके साथ मिलते हैं। तो ये हमने इसके अंदर दूध भी डाल दिया है जी, और दूध डालने के बाद हम इसको बंद करते हैं। हम आप इसको ग्लास आउट करके दिखाते हैं। ये रहा जी हमारा मिल्क शेक, और इस मिल्क शेक में जी हमने सिर्फ खजूर डाली है, कोई और स्वीटनर्स या स्वीट या चीनी या कोई चीज़ नहीं डाली है। गाजर का अपना प्योर जूस है, और इसके अंदर हमने 6 खजूरें डाली हैं। तकरीबन ये एक जग बनाया है हमने, इस तरह के ये तकरीबन 5-6 ग्लास होंगे, ठीक है जी। तो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट किसी रेसिपी में। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी।